नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हेल्थ टिप्स। मैं हूं रंजीत। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्पास्मो प्रोक्सिबन टी प्लस कैप्सूल के बारे में। तो दोस्तों इस कैप्सूल के बारे में हम आगे बताएं उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले, साथ ही साथ जो बेल आइकन है जोर दबाएं जो आने वाला वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों ये जो कैप्सूल है इसका नाम है स्पास्मो प्रोक्सिबन टी प्लस, जो कि वोगार्ड कंपनी की आती है और इसके जो वन स्ट्रिप की जो कीमत है आपको 72 रुपीज है। दोस्तों ऐसे नीला कैप्सूल के नाम से भी ये बहुत प्रसिद्ध है, आपको ऑल ओवर इंडिया किसी मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध है, लेकिन यह एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है तो इसके लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी। आपको किसी भी केमिस्ट पे आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको ये दवाई जो है उपलब्ध नहीं है, आपको ये नहीं मिल पाएगा। लेकिन कई लोग जो है इसे अब ब्लैक से कहीं से खरीद के इसको धरले से नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसे कई लोग दो दो कैप्सूल, चार चार कैप्सूल, यानी कई तो लोग आठ आठ कैप्सूल एक बार में इसे यूज करते हैं, जो कि काफी खतरनाक होता है। मेन इसका जो मेन जो काम है उसके बारे में मैं बताऊं दोस्तों, इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है इसका टेपेंटाडोल होता है, जो कि एक पेन किलर है। या आपको कहीं भी पेन जैसे बॉडी में हो, जैसे पथरी का पेन हो, जैसे औरतों में मेंस्ट्रुअल जो पेन होती है एमसी के टाइम में, उस तरीके का पेन हो तो उसमें ये जो है काफी इफेक्टिव होता है। ये सिर्फ आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही ली जानी चाहिए और उसी के जो जैसे डोज बताते हैं उस हिसाब से लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इसे ज्यादा लेते हैं तो ये काफी नुकसानदायक होता है। लेकिन लोग आजकल इसे बहुत ही धड़ल्ले से नशे के कैप्सूल के लोग में इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफी गंभीर है। दोस्तों इसे ज्यादा लेने से जो है कभी कई तरह के गंभीर परिणाम जो होते हैं, इसे लीवर पर जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, साथ ही साथ जो आपका इसे मेमोरी जो है आपका लॉस होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। इसे आप छोटी छोटी चीजें जो है वो भूल जाएंगे और आपका जो मेमोरी पावर है वो धीरे धीरे वीक हो जाएगी। आप इसके इतने आदी हो जाएंगे कि आप इसके बिना बिल्कुल रह नहीं पाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, साथ ही साथ इसे भूख लगना बंद हो जाएगा, इसे बॉडी में दर्द हो जाता है, पेन होने लगेगा, यानी जब जिस दिन आप इस कैप्सूल को नहीं लेते आपको बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। जितनी इस कैप्सूल को आप लेना बंद कर दें आपको और भी तरह की जो प्रॉब्लम है होनी शुरू हो जाएगी। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आप ये इस तरीके की अगर कैप्सूल खाते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से, तो इस जो कैप्सूल को आप लेना बिल्कुल बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह जरूर लें कि इसे कैसे छोड़नी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की मेडिसिन को छोड़ने की जो है डॉक्टर के पास इलाज मौजूद है मार्केट में। तो आप उन्हें इनकी सलाह पे अगर आप अमल करेंगे तो आपको ये इस तरीके की जो आदत, गंदी आदत जो लग चुकी है वो धीरे धीरे आपकी छूट जाएंगी। तो दोस्तों ये रहा इसके बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो अच्छा है तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।